गाइस वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं अनु। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनु राघव सिंह पे। तो बताइए कैसे हैं आप, आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने चैनल पे कोई व्लॉग लेके नहीं आई हूं, बल्कि आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूं। जो भी नए पेरेंट्स हैं, न्यू मदर हैं, जो नए पेरेंट्स बनने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो है। और मेरे चैनल पे आपको बहुत से वीडियो देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं ट्रैवल व्लॉग भी शेयर करती हूँ, फैमिली व्लॉग भी शेयर करती हूँ, प्लस कुकिंग रिलेटेड वीडियोस भी होते हैं। आने वाले वीडियोस में आप सभी के साथ फैशन हॉल भी शेयर करूंगी, बेबी रिलेटेड हॉल भी शेयर करूंगी। तो चलिए, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इससे आपको मेरे आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो डायपर्स रिलेटेड वीडियो है। तो जैसा कि जो भी नए पेरेंट्स हैं या नए पेरेंट्स बनने वाले हैं या न्यू मदर हैं, उन्हें हमेशा चिंता रहती है कि हम अपने बच्चे के लिए कौन सा डायपर यूज करें, कौन सा डायपर उनके लिए बेस्ट होगा। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी बेटी है, 1.5 महीने की मेरी बेटी हो चुकी है। तो वो जब से हुई है मैं उसके लिए हमेशा डायपर ही यूज कर रही हूँ। तो जैसे कि हम सभी के मिथ्स रहते हैं, जैसा लोग कहते हैं, कोई अच्छे रिव्यू देते हैं डायपर्स के बारे में, कोई बैड रिव्यू देते हैं। तो मैंने भी ऐसा सुना था कि बच्चों को ज्यादा डायपर्स नहीं पहनाने चाहिए, वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, उनकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, उनके लेग्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है डायपर को लेकर, वो बिल्कुल भी गलत नहीं रहा, क्योंकि मैंने जब से वो हुई है मैं उसे डायपर ही यूज कर रही हूँ। जब से मैं डायपर यूज कर रही हूँ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ डायपर्स पहनाना गलत है या डायपर्स पहनने से रैशेज हो जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी ब्रांड के डायपर्स पहनाने से किसी मदर को ऐसा फील हुआ हो कि उसके लिए, उनके बच्चे के लिए वो डायपर अच्छा नहीं है, बट मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस ब्रांड का डायपर यूज कर रही हूँ वो मुझे बेस्ट लगा है अभी तक का। तो मैंने यहाँ पे 4 ब्रांड के डायपर यूज किए अपनी बेटी के लिए, तो मैं उन सभी ब्रांड्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो जो 4 ब्रांड्स के डायपर्स मैंने अपनी बेटी के लिए अभी तक यूज किए हैं, उसमें से पहला है हगीज, सेकंड मैंने यूज किया था पैम्पर्स, थर्ड मैंने यूज किया था मैमी पॉको पैंट्स, और जो फोर्थ अभी मैं यूज कर रही हूँ जो मुझे सबसे अब तक का बेस्ट लगा है वो है हिमालय टोटल केयर। तो आप सोच रहे होंगे क्यों वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अपना अपना सब मदर्स का एक्सपीरियंस होता है। किसी को हगीज का ब्रांड अच्छा लगा होगा अपने बच्चे को यूज करने में, किसी को पैम्पर्स अच्छा लगा होगा, बट मुझे हिमालय टोटल केयर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जैसा वो बताते हैं कि हिमालय टोटल केयर जो है वो विद एंटी रैश शील्ड है और वो क्लिनिकली टेस्टेड है। हिमालय टोटल केयर का डायपर जब से मैं यूज कर रही हूँ मुझे अपनी बेटी में कभी भी रैश की प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो जैसा कि गाइज ये है मेरा हिमालय टोटल केयर का फैमिली पैक, मैंने मंगाया है डायपर, तो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने अब फैमिली पैक मंगा लिया है। अब मैं इसी डायपर को यूज करने वाली हूँ अपनी बेटी के लिए। तो इसमें जैसा कि लिखा गया है, देखिए इसका क्या, इस तरीके से ये बैग आता है, जो मैंने फैमिली पैक मंगाया वो इस तरीके से बैग आता है जिसमें आप इसे इस यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। जो ये डायपर है वो मैंने 80 पैंट्स का मंगाया है, तो अब मैं इसी डायपर को यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इस डायपर का फैमिली पैक मंगा लिया है। तो सभी डायपर्स के अपने अपने साइज होते हैं, तो आप अपने बेबी के वेट के हिसाब से डायपर्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी मेरी बेटी का 5 kg वेट है, तो मैंने उसके लिए स्मॉल साइज ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे दिया रहता है कि आपके इस बच्चे की वेट के हिसाब से आप कौन सा डायपर मंगा सकते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया है, न्यू बॉर्न के लिए जो 0 to 5 kg के वेट के बच्चे होते हैं उनके लिए आप न्यू बॉर्न डायपर मंगा सकते हैं। फिर जो 4 to 8 kg के बच्चे हैं उनके लिए आप स्मॉल डायपर मंगा सकते हैं। 7 to 12 kg के बच्चे के लिए आप मीडियम मंगा सकते हैं। 9 to 14 kg के बच्चे के लिए आप लार्ज साइज का डायपर मंगा सकते हैं, और 12 to 17 kg के बच्चे के लिए आप एक्स्ट्रा लार्ज मंगा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके बेबी का वेट कितना है और आप कौन से साइज का डायपर मंगाएंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा है, कि एंटी रैश शील्ड प्रिवेंट्स रिस्क ऑफ डायपर रैश। तो सच में गाइज, मुझे जब से मैं ये डायपर यूज कर रही हूँ मुझे कभी भी रैश की प्रॉब्लम फील नहीं हुई अपनी बेटी में, तो मुझे ये डायपर बेस्ट लगा। सेकंड इसमें लिखा है गुडनेस ऑफ एलोवेरा एंड याशद भस्मा। तो सच में इसमें इन्होंने एलोवेरा का और याशद भस्मा का यूज किया, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, इट स्मेल्स गुड। और थर्ड इसमें दिया है रैपिड एब्जॉर्प्शन, जो कि बच्चे की स्किन को ड्राई रखेगा। हाँ, जब से मैं इस डायपर को यूज कर रही हूँ मुझे हमेशा इसकी स्किन ड्राई ही लगी, कभी भी ये डायपर लीक नहीं करता है और स्किन को कोई इस तरीके का गीला नहीं रखता कि बच्चे को रैशेज हो। फोर्थ इसमें लिखा है लीक प्रूफ सॉफ्ट इलास्टिक एजेस प्रिवेंट लीकेज। इस डायपर के पैकेट को मैंने यहाँ से कट किया है, तो मैं एक डायपर निकाल के आपको बताऊंगी कि इसमें किस तरीके से दिया है। तो ये है हिमालय का टोटल केयर डायपर। तो इसमें देखिए, इस तरीके से अगर हम इसको अंदर से देखें तो इसमें इन्होंने एलोवेरा और यशद भस्मा का यूज किया है, जो कि
स्मेल भी इससे अच्छी आती है, और प्लस ये बच्चों को कोई रैशेस प्रोवाइड नहीं करता है। और इसमें दो लेयरिंग, डबल लेयरिंग दी गई है पैंट्स में, तो जो अंदर की जिसकी जैसे बच्चों की हेल्थ अगर कम होती है तो वो डायपर क्या है कि बिल्कुल कवरेज, फुल कवरेज नहीं दे पाता बच्चों की स्किन में, तो कई बार जो है वो जो बच्चे पी करते हैं तो वो लीक कर जाता है। बट इसमें डबल लेयरिंग इस तरीके से दी है कि जब बच्चा पी करे तो वो लीक नहीं होता है। जब बच्चा आपका पी करेगा तो वो जो है उसका पी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है डायपर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो लीक नहीं होने देगा। जैसा कि इसमें डायपर में आप देख सकते हैं कि दो इंडिकेटर लाइन भी दी गई है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने कितना पी किया है, उसका डायपर फुल हो चुका है या नहीं। हमें कब डायपर चेंज करना है, कई बार हमें नहीं पता लगता कि हम कब डायपर बच्चे का चेंज करें, कहीं फुल तो नहीं हो गया है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहा है, तो जब बच्चा रोता है तब हमें पता लगा कि हाँ उनका डायपर फुल हो गया, हमें चेंज करना है। बट इसमें हम पता कर सकते हैं देखे कि बच्चे का डायपर फुल हो चुका है, हमें चेंज करना है या नहीं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो येलो कलर की इंडिकेटर लाइन दी गई है, तो जब ये ग्रीन कलर की हो जाएगी या फिर ब्लू कलर भी आ जाता है, तो जब वो कलर आ जाए, जब ये पूरा जो है लाइन उस तरीके का कलर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का डायपर फुल हो गया है और अब हम इसे चेंज करना है हमें, जो कि आपको किसी भी डायपर में आई थिंक नहीं देखने को मिलेगा। तो मैंने ये, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस डायपर में, तो इसलिए मैं अभी ये डायपर यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये सबसे बेस्ट लगा है। आप भी इस डायपर को यूज़ करके देख सकते हो, जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस डायपर को लेके, आई होप आप सभी का भी वही एक्सपीरियंस रहेगा। और जो मैंने पैम्पर्स यूज़ किया था अपनी बेटी के लिए, वो भी मैं, मेरे पास पैकेट है बट मैंने ये पैकेट यूज़ करना छोड़ दिया है अभी। इसमें डायपर्स हैं अभी बट मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ इसे। तो इस डायपर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे इस डायपर में ये लिख के देख, पैम्पर्स में लिखा होता है कि लोशन विद एलोवेरा, हाँ लोशन विद एलोवेरा तो ये होता है, बट इसमें जो सेकंड लिखा है कि मैजिक जेल है, वो भी है इसमें, बट इसमें जो दिया गया कि एयर चैनल्स हैं, फ्लेक्सिबल वेस्टमेंट है, 360 डिग्री फिट है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी पैम्पर्स में, बट इसमें आपको स्टोरेज जो ये एब्जॉर्प्शन पावर है इसकी वो बहुत कम है, क्योंकि जब भी मैं अपनी बेटी में पैम्पर्स यूज़ करती थी तो ये हमेशा लीक कर जाता था 2-3 घंटे में, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जैसा कि सभी ब्रांड्स बोलते हैं 10 आवर्स के लिए डायपर्स पहना सकते हैं, वाटरप्रूफ है, लीक नहीं करेगा, बट ये सब कुछ झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे का डायपर 3-4 घंटे में फुल हो ही जाता है, आपको चेंज करना ही पड़ता है। तो आप इस पे ना जाए कि हाँ 10 आवर्स के लिए सभी ब्रांड्स ने बोला है, चाहे आप कोई भी ब्रांड का डायपर ले रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि 10 आवर्स के लिए आप इस डायपर को यूज़ कर सकते हैं, लीक नहीं करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये झूठ है। अगर आप न्यू मदर हैं तो आप ऐसा ना सोचें कि 10 आवर्स के लिए कहा गया है तो हमें 10 आवर्स के लिए डायपर को छोड़ देना है, चेक नहीं करना है, फिर आपका बच्चा रोता है। क्योंकि मैं भी जब नए बार डायपर यूज़ कर रही थी अपनी बेटी में, तो वो रोती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्यों रो रही है, ऐसा क्या हुआ है। वो उसे मैं फीड भी कराती थी तब पर भी वो चुप नहीं होती थी। फिर मुझे पता लगा कि जब धीरे धीरे मुझे चीज़ें पता लगी कि नहीं, डायपर फुल होता है तब भी बच्चा रोता है, तब भी वो अंगड़ाइयाँ लेगा कस कस के, तब मुझे पता लगा कि नहीं, डायपर फुल होने से भी बच्चा क्राई करता है। तो हमें ये नहीं सोचना है, क्योंकि नहीं, अगर आप नई मदर बनी हैं या बनने वाली हैं, तो आप ये मत सोचिए कि डायपर में लिखा है कि 10 आवर्स के लिए आपका आप डायपर्स पहना दिया आपने बच्चों को तो 10 आवर्स के लिए आप निश्चिंत हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 3-4 घंटे में बच्चे का डायपर चेक करें और उसे चेंज करें। तो यहाँ पर ये जो है पैम्पर का डायपर, ये मुझे जैसा कि इसमें देखिए, इसकी जो इलास्टिक है वो भी अच्छा है, प्लस ये पेन इसका जो ये है, इसमें इन्होंने एलोवेरा डाला, एलोवेरा जेल यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं बट इसका एब्जॉर्प्शन पावर बिल्कुल कम है, तो इसलिए मैं आजकल इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप पैम्पर्स का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम लें, वो थोड़ा कॉस्टली आता है तो, बट वो उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो अच्छा है। इसी प्रीमियम लेवल का आपको हिमालय टोटल केयर में देखने को मिलेगा, इसका प्राइस भी बिल्कुल सही है, आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है इसमें ऑफर्स चलते रहते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे यूज़ किया था तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तब वहाँ पे मुझे 700 का पड़ा था ये, क्योंकि उस टाइम ऑफर चल रहा था फ्लिपकार्ट पे। और अभी मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया है, तो अभी जो मुझे फैमिली पैक पड़ा है 80 पैंट्स का, वो मुझे 720 का पड़ा है। तो जैसा कि इसमें आप प्राइस देख सकते हैं, तो इसमें जो इसकी MRP है वो है 1000 रुपीज़, बट अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो ये आपको ऑफर्स में मिल जाएंगे। जैसे कि इसकी MRP 1000 रुपीज़ है, बट मुझे ऑफर में ये 700 की पड़ी थी फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम 720 की,
तो आप फर्स्ट क्राई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट किसी पे भी देख सकते हैं, जहां पे भी ऑफर्स चल रहे हैं आप वहां से इसे मंगवा सकते हैं। तो मैंने जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ये ऑर्डर किया था वह उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से भी इसे मंगवा सकते हैं अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग। हाले के प्रोडक्ट्स मुझे काफी अच्छे लगे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी जो मैं अपनी बेटी के लिए प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ वो सारे हिमालय के यूज कर रही हूँ, चाहे वो उसके लिए जो उसका पाउडर हो या उसके सोप्स हो, कोई भी प्रोडक्ट्स उसका जो मैं यूज कर रही हूँ वो सारा हिमालय का ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि हिमालय ब्रांड मुझे सबसे बेस्ट लगा बच्चों के लिए। आने वाले वीडियोस में मैं बेबी के और भी प्रोडक्ट के रिलेटेड रिव्यू करूंगी, और यही था मेरा एक्सपीरियंस डायपर्स के रिलेटेड। तो जो मुझे सबसे अच्छा ब्रांड लगा वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डायपर यूज करना है, कौन सा डायपर आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। तो क्योंकि एज अ मदर मैं यही चाहूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए वही प्रोडक्ट यूज करूं जो उसके लिए अच्छा हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे आपको मेरे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं कौन सी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, और आप लोगों के लिए मैं वो जरूर वीडियोस बनाऊंगी। तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।